एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। आइए देखते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग में क्या निकल कर आता है। गाइज, यहाँ पर आपने देखे मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स रखे हैं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है इन जनरल, फिर हम देखेंगे मेजर अरकाना से कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे कुछ ड्रीम्स और ड्रीम चैनलिंग जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और उसके बाद हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। गाइस, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड खबर आएगी, आपने देख ही लिया नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैंने ये भी कहा था कि सोल लॉस से रिलेटेड खबर आएगी, और मैंने ये भी कहा था कि सोल लॉस है मतलब आत्मा से रुला दे ऐसी खबर आएगी। अगर आप मेरी लास्ट हफ्ते की जो मैंने अभी लास्ट रीडिंग की थी, अगर आप उसमें जाकर लास्ट में देखेंगे तो आप उसमें सुनेंगे मैंने ये कहा था कि आत्मा से रुला दे ऐसी खबर आएगी, जो कि मैं हर हफ्ते नहीं बोलती हूँ। और इस हफ्ते आपने खबर देखी ली होगी, ऐसी खबर जो हर इंसान को आत्मा से रुलाई होगी। इतने सारे लोगों की डेथ की न्यूज़ एक साथ आई है। मैंने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड आएगी। पहले नॉर्थ में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए कुछ लोगों के साथ घटना हुई, बस खाई में गिर गई, और उसके बाद साउथ जा रही जो ट्रेन थी, चेन्नई जा रही थी, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, और आप जान ही रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, हर न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ है। तो आप सभी से प्रार्थना है, ज़रूर से महादेव से प्रार्थना करें कि उन सभी आत्माओं को अपनी शरण मिलें, और बहुत ही दुखद घटना है गाइस। इसके अलावा भी मैंने और भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शन करी थी ड्रीम से रिलेटेड एंड ऑल, आप लोग कमेंट में बताते ही रहते हैं, लेकिन ये जो घटना थी ये बहुत दर्दनाक थी। तो इसके अलावा मैंने थंडर स्टॉर्म और ये सब बोला था, तो काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किया कि मैम हमारे यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट गाइज इस घटना ने बहुत हिला के रख दिया। तो भगवान करें, महादेव करें कि अच्छे अच्छे कार्ड्स आएँ, लेकिन देखिए जो सत्य है वो कार्ड बताएंगे, और जो कार्ड बताएंगे वो मैं बताऊँगी। तो तैयार रहिएगा, जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी वार्निंग्स आएंगी, रीडिंग इसीलिए होती है ताकि आप सतर्क रहें। सो शुरू करते हैं आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। हर बार की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, चाहे एक कार्ड आए चाहे दस आए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। वी हैव गॉट डेविल एंड लवर टुगेदर, इन दोनों की जोड़ी पता नहीं कैसी है, गजब की जोड़ी है इन दोनों की। चलिए, तो हमारे पास कुछ कार्ड आ गए हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी खबर मिलेगी कि आपको कहीं जाना है, सडन ट्रैवल की इंडिकेशन है। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी जगह पे जाएं जहाँ पे घोड़े की सवारी करने मिले आपको, या मूवमेंट नज़र आ रहा है, ट्रैवल की इंडिकेशन है, सक्सेस की इंडिकेशन है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपकी कोई इंटरव्यू दी हुई है, या आपने अगर कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, या कोई कॉम्पिटिशन है एजुकेशनल फील्ड में, कहीं ना कहीं पे आप कुछ अचीव करेंगे, नेम, फेम, प्राइज, मनी, समथिंग प्रॉफिटेबल, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वी हैव जस्टिस कार्ड। आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ सडनली हो रहा है जो कि या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो आप समझ लेना कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट आपको दिया गया है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो।
और अगर सडनली आपके लाइफ में ऐसा हो कि आपका बनता काम बिगड़ने लगे, चीज़ें ख़राब होने लगें, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रहे, या आपके लाइफ में आप कितना भी मेहनत कर लें लेकिन आपके बगल वाला बिना मेहनत के आगे बढ़ जा रहा है और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसका सीधा जो कनेक्शन है वो आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड है। तो शनि महाराज यहाँ पर आपको आपके पिछले जन्मों के कर्मों का और इस जन्म के जो कर्म आपने करे हैं उसका हिसाब किताब लगाने बैठ चुके हैं। आपको कर्मों की फल मिलने वाले हैं, डिपेंड की अनएक्सपेक्टेड ये कर्म का कैसा फल आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि अगर आपने जज के लिए ट्राई करना है, लॉयर बनना है, एडवोकेट है बनना है, परीक्षा देनी है किसी भी तरह की, या आपको कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, या तो परीक्षा या तो अनएक्सपेक्टेड कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वी हैव डेविल। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी कि आपके घर में कोई व्यक्ति होगा जो ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा उत्पात मचाना, या स्मोक करना, ड्रग्स लेना, नेगेटिव हैबिट्स होना, या अफेयर करना, चीट करना, मारपीट करना, टॉर्चर करना, आपके आस पड़ोस से कहीं से गाली गलौज की बड़ी ज़्यादा आवाज़ें आना, झगड़े की आवाज़ें आना, नेगेटिव मतलब एक तरह से वाइब्रेशन, कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके स्वयं के घर में या आस पड़ोस से आपको कोई ऐसी घटना का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसकी नज़र आप पर गड़ी हुई है, कोई आपका बुरा चाहता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, आपका कोई बुरा चाहता है, या तो आप पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, कोई जादू टोना स्पेल, किसी तरह की नेगेटिव, या तो कुछ लोगों की दृष्टि ही बहुत नेगेटिव होती है, मतलब अगर वो पल भर बैठकर आपको बुरी नज़र से घूर लेना, तो हो सकता है कि आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएं, आपकी आंखें सूज जाएं, आपके लाइफ में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने लगे, आपका अच्छा खासा घर गृहस्थी बर्बाद होने लगे। इसका एकमात्र उपाय महादेव की भस्म लें और अपने सर पे लगा लें, किसी भी महादेव के मंदिर में जाएं या काल भैरव के मंदिर में जाएं, वहां की भस्म आप रख लें, और भस्म में बहुत शक्ति होती है गाइस, तो जो भस्म है ना उसको आप टीका लगा लें और चले जाएं, या फिर आप महादेव को प्रे करें और महादेव के चरणों से लगाकर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, या रुद्राक्ष प्योर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट या रुद्राक्ष की माला आप पहन के जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पति पर या आपकी पत्नी पर या आपके बच्चों पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है, तो भी आप भगवान से टच कराकर उनको रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहना दें, रुद्राक्ष की माला पहना दें, या तुलसी की माला पहना दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तुलसी महादेव को नहीं चढ़ती। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं, ओरिजिनल होना चाहिए और टच करा कर आप पहन सकते हैं, ठीक है। तुलसी की माला पहन रहे हैं, भगवान विष्णु के चरणों पर लगा कर पहन लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको टच नहीं कर पाएंगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगी कि कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, ठीक। और नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के प्रे करके एफर्मेशन के साथ नहा लें, तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये आपसे अपने आप दूर रहेंगे। अपनी ऑरा को तो पॉजिटिव रखिए ही, क्योंकि अपनी ऑरा जब तक वीक रहेगी आपका ये लोग बहुत बिगाड़ लेंगे। नेगेटिव एनर्जी तभी वर्क करती है जब आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एनर्जी क्या, नेगेटिव एनर्जी तो टच नहीं कर पाएगी, लेकिन जो नेगेटिव कर रहा है ना वो भस्म हो जाएगा। अपनी पावर को इतनी ज़्यादा बढ़ाइए कि नेगेटिव करने वाले ही भस्म हो जाएं। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। बहुत सारे लोगों का मैसिव यूनियन होगा अगले हफ्ते, ये जो आने वाला हफ्ता है आज से लेकर अगले संडे तक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लोगों का यूनियन हुआ, ये आपका टास्क है। जिनका भी यूनियन होगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई लवर इंट्री कर सकता है,
अनएक्सपेक्टेड आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है बिजनेस में, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट वी हैव मैसेज कार्ड। अब यूनियन होना है तो मैसेज तो आएगा ही, बिना मैसेज के तो यूनियन होगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड घटनाएं आपको सुनने मिलेंगी, एक्सीडेंट्स से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवल के दौरान कोई इंसिडेंट यहाँ पर आपको सुनने मिल सकता है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके लाइफ में आने वाला है, चाहे लड़का चाहे लड़की। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन से एक तरफा प्यार करते हैं, आपको उनकी तरफ से कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है। अगर आपका पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करता है, कम एक्सप्रेस करता है अपने प्यार को, करता तो है प्यार लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, तो इस हफ्ते में आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव मिलेगा। प्लस कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में रहेगा जो आपको बहुत केयर करेगा, बहुत ज़्यादा नर्चर करेगा। हो सकता है आप उससे प्यार ना करते हो लेकिन वो पर्सन आपको बहुत टेक केयर करेगा। किसी ऐसे पर्सन की एंट्री आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है। देन वी हैव द फूल एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आने वाले हफ्ते में खर्च बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कैसा खर्च? या तो कपड़े पर, या तो ब्रांडेड सामान पर, किसी भी तरह का ब्रांडेड सामान, या कोई महंगा पेट आप घर पे ला सकते हैं, महंगा ब्रांड का पेट। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आने वाले हफ्ते में गार्डनिंग करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे गमले ले आएँ, बहुत सारे पेड़ लगाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, माउंटेन एरिया है, खाई से बचें, खाई के आसपास ना जाएं, अननोन जगह पे पानी में ना उतरें। ये मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, अननोन जगह पर पानी में ना उतरें, खाई के आसपास पथरीले जगह पर कोने में ना जाएं, यहाँ पर वार्निंग है। इसके अलावा वी हैव नाइन ऑफ वांड्स। आप में से कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है कि आपको कोई धमकी मिल जाए और उस धमकी से आप डर जाएं, आपको बाहर जाने में डर लगे, आपको कोई काम करने में डर लगे। इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम हमेशा की तरह लेंगे 5 कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, रर महादेव। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हो सकती हैं एंजल्स? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड्स। द लवर्स यहाँ से भी आ गया, जय हो राधे कृष्णा। बहुत सारे लोगों का मैसिव यूनियन होने वाला है गाइस, क्लेम करें इस यूनियन को। फुल मून भी है, पूर्णिमा है, ये विशेस आपकी पूरी हो, महादेव करें आपके विशेस पूरी हो। और यहाँ पर वाह, इसे कहते हैं माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स, जय माँ सरस्वती। मैंने कहा कि भगवान करें, महादेव करें आपकी विशेस पूरी, एंड विशेस पूरी होने का ही कार्ड आ गया। यहाँ माँ तारा की ब्लेसिंग्स आ गई, मतलब ये विशेस पूरी होंगी और महादेव आपको ये तथास्तु बोल चुके हैं, ये तथास्तु का ही कार्ड है। तो ये आपको हरी झंडी मिल गई है गाइस। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो राधे कृष्ण। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली है, ज़रूरी नहीं लव लाइफ से ही रिलेटेड, आपने कोई भी विशेस मांगी है पूरी होगी। द वर्ल्ड की एनर्जी है गाइस, कुछ लोगों के लाइफ में कम्प्लीशन होने वाला है, कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। प्लस वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी न्यूज़ आएगी। इसके अलावा सडन ट्रैवल, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, जय हो प्रभु। हेल्थ वाइज अपना ध्यान दें, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड किसी को लेकर दौड़ना पड़े, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ वाइज खबर आ सकती है, कलेक्टिव भी आ सकती है, पर्टिकुलर भी आ सकती है, बट ये कलेक्टिव है। तो कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। इसके अलावा
बहुत सारे लोगों को उनके एंसेस्टर्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी। एंसेस्टर्स मतलब आपके लाइफ में जो लोग की डेथ हो चुकी है, उनसे रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। या तो वो आपको ड्रीम में आ सकते हैं, या तो वो कुछ बोलेंगे, या तो वो शांत रहेंगे, या तो वो कोई इंडिकेशन देंगे। हो सके तो उस ड्रीम को ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट कार्ड वन मोर कार्ड एंजल्स मजिशियन। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं और आप वो क्रिएट भी कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत होंगी, आप में से बहुत सारे लोगों के क्रिएटिव टैलेंट्स बाहर आएंगे। साथ ही साथ पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आएगी। पब्लिक इमेज के अलावा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर फायर से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, बड़ी खबर। जय महादेव, जय राधे कृष्ण। देखते हैं ड्रीम्स और एंजल मैसेजेस। तो ये वो कार्ड्स हैं जिससे ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, ये मैं लास्ट में देखती हूँ आजकल। ड्रीम्स कई लोग बोलते हैं कि मैम आप जो ड्रीम बताती हैं ये हमने कल देखा है या एक दो दिन पहले देखा है। तो गाइस, मुझे जो ड्रीम चैनल होती है प्लस ये जो ड्रीम्स है होती हैं ना, ये मैं हफ्ते में एक ही दिन बताती हूँ। तो आप पूरे हफ्ते में जो भी ड्रीम्स देखे होंगे वो चीज़ें या तो आने वाले हफ्ते में या तो लास्ट वीक में आपसे रेजोनेट करेंगी। ओके, तो ड्रीम्स की चैनलिंग करने के पहले मैं अपनी चैनलिंग करूँगी। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को क्लाउड में कोई मैसेज मिलेगा, सपने की बात कर रही हूँ। रियलिटी में मिले तो उसे भी नोट कीजिए, बट सपने में आपको क्लाउड में बहुत मैसेजेस मिल सकते हैं। आप में से कई लोगों को क्लाउड में अग्नि नज़र आ सकती है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल अग्नि, मतलब जैसे दिया जल रहा हो या दिया का शेप लेकर फ्लेम नज़र आ सकता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लेम। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस मैसेज से आप रेजोनेट करेंगे। आप में से कई लोगों को स्पेशली अगर आप यूनियन के बहुत करीब हैं या यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, या आपके लाइफ में आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके ईष्ट हैं, वो आपके साथ हैं, इसका प्रूफ आपको ये दिया जाता है क्लाउड में। अगर आपको फ्लेम दिखता है या दिया दिखता है या दिया की तरह आपको कोई इमेज दिखती है, इवन क्लाउड में आपको एंजल्स डांस करते हुए नज़र आ सकते हैं, आपको क्लाउड में भगवान श्री राम या हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, क्लाउड में आपको आईज नज़र आ सकती है, आपको क्लाउड से निकलते हुए कोई चीज़ें आपके करीब आते हुए नज़र आ सकती हैं, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घोड़ा हो आपके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हो, फ्लाइंग हॉर्स, या फिर आपकी तरफ कोई रथ आ रहा हो, या आपकी तरफ कोई भी चीज़, कोई बर्ड आ रही हो, पूरी तरह से उड़ते हुए आपके करीब आ जाए और आपके पास बैठ जाए, इस तरह की इंडिकेशंस आपको ड्रीम में मिल सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं कि आप किसी टेम्पल में हैं या आप किसी अननोन प्लेस पर हैं, एस्ट्रल ट्रैवल है, या धरती पर ही आप किसी अननोन प्लेस पे हैं। इसके अलावा आप में से कई लोगों को इस तरह के भी ड्रीम आएंगे जैसे आप हैं तो इसी बॉडी में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फेस अलग है। आप अपनी किसी पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, ठीक है, टाइम ट्रैवल की एनर्जी है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। कुछ लोगों को साफ़ सफाई से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आप अपने घर की बड़ी सफाइयाँ कर रहे हैं। खाना बनाने या खाना खाने से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। अब बात करते हैं इन ड्रीम्स की। तो आप में से कई लोगों को बछड़े नज़र आ सकते हैं, काव्स, काऊ नहीं, बछड़े, बहुत ही शुभ है। आपकी फैमिली में हारमोनी क्रिएट होगी और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स अगर आप हैं या चोजन वन हैं, तो आपकी लाइफ में असेंशन को इंडिकेशन करता है।
भगवान गणेश जी की ड्रीम्स आप में से कई लोगों को आ सकते हैं। इसके अलावा बेल, जो गर्मी में आप खाते हैं, ठीक है, मार्मेलोज, तो बेल फ्रूट से रिलेटेड आपको सपने आ सकते हैं, बच्चे से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको ड्रीम में हो सकते हैं। इसके अलावा हॉर्सेस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टाइम ट्रैवल की एनर्जी है, वॉच से रिलेटेड न्यूज़ आ सकते हैं, वॉच से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, सॉरी। देन मेल या फीमेल आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं, आपको या तो अपने ही पर्सन नज़र आए, अपने ही हस्बैंड या वाइफ नज़र आए, या कोई दूसरा मर्द या औरत आपको ड्रीम में नज़र आए। अगर आप सिंगल हैं तो भी, मैरिड हैं तो भी, हो सकती है चीज़ें आपके साथ। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है, डेथ से रिलेटेड मतलब ड्रीम में आपको कोई खबर आ रही है कि अरे फलाने का डेथ हो गया, या अरे उसका तो एक्सीडेंट हो गया और आप दौड़ रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या बहुत रो रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। डॉग से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं, इवन आपको मिरर से रिलेटेड या सूर्य से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या आपको ड्रीम में सन या मून से रिलेटेड कोई वाइब्रेशन फील हो सकती है कि बहुत रोशनी है, या बहुत ज़्यादा आप एक साथ सन या मून को देख रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बात करें एंजल मैसेजेस की, तो इस हफ्ते में क्या ध्यान देना है आप लोगों को? पेड़ पौधे, माउंटेन से रिलेटेड खबर आ सकती है। पेड़ पौधे माउंटेन का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे से क्या है? कुछ ऐसा हो सकता है जो कि यहाँ पे ईवी की एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों को तो ग्रोथ मिलेगी, काफ़ी लोगों को सडनली प्रमोशन मिल सकता है, सडनली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप ग्रो करेंगे, ठीक है, जैसे मनी प्लांट ग्रो करता है ना, वैसे आपकी लाइफ में चीज़ें एक्सपैंड होंगी। आपका एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है, तो आप एक्सपैंड करेंगे। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करें, एक जॉब भी कर रहे हैं साथ में, कोई टाइम अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, अर्निंग के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके घर में भी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है हस्बैंड परमानेंट जॉब पे हो, वाइफ बिजनेस कर रही हो, वाइफ हस्बैंड से भी ज़्यादा अर्न कर रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आने के स्रोत बनेंगे। इसके अलावा पेड़ पौधे माउंटेन का कार्ड आया है यहाँ पर, मतलब माउंटेन से रिलेटेड, पेड़ रोड से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है गाइस। कोई एंशियंट नॉलेज या एंशियंट टेक्निक से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, किसी साधु संत या किसी एंशियंट, जैसे मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में किया था तो सेंगोल आया, वैसे ही कुछ वापस से यहाँ पर उससे रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। सेक्रेट टेम्पल से रिलेटेड न्यूज़ है, या तो आप सडनली किसी सेक्रेट टेम्पल पे जाओगे, सिद्ध पीठ पे, या उससे रिलेटेड कोई खबर आएगी। रिवर वुमेन की एनर्जी है, तो रिवर से रिलेटेड भी खबर यहाँ पर है। ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन वाले सतर्क रहें, ईस्ट और साउथ, ठीक, ईस्टर्न कंट्रीज़ या साउदर्न कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, अपने भारत देश में ईस्ट या साउथ वाले सतर्क रहें। इनर हीलर की एनर्जी है, आपके अंदर से हीलिंग क्वालिटीज़ आपको आएंगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ट्रिगर हैं, खुद को हील करेंगे, खुद को खुद ही रिकवर करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इवन मदर गाया, जिनको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं पॉल्यूशन करके, प्लास्टिक यूज़ करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मदर गाया भी खुद को हील करते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आने वाले समय में होने वाली हैं, भले इस हफ्ते में ना हो, बट आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिससे कि मदर गाया खुद को हील करेंगी। जैसे लॉकडाउन लगा था तो 2 साल में सारी इन्वायरमेंट फ्रेश हो गई, सारे पानी, सारी नदियाँ, सब 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 के सब साफ हो गए, पॉल्यूशन बिल्कुल गायब हो गया था। मदर गाया ने खुद को खुद ही हील किया, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ इनर हीलर की एनर्जी वापस आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी सिनेरियोज़ बन सकते हैं जिससे कि मदर गाया खुद को हील करें। अब मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ, और हाँ, डार्कनेस का भी कार्ड आया है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में डाल दें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन है।
मतलब आने वाले हफ्ते में भी चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, बट फिर भी साउथ एंड ईस्ट वाले सतर्क रहें, माउंटेन पे जो रहते हैं वो सतर्क रहें, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।